नमस्ते बच्चों, मैं कविता चौहान बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा दसवीं हिंदी कुमार भारती के एक घटक का हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हिंदी कुमार भारती दसवीं कक्षा में हम भाषा का प्रश्न इस पूरक पठन का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। वहाँ महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है कि इनका जन्म 20 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती है। इनकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण सर्वत्र दिखाई देते हैं। इन्होंने गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपने लेखन के जादू बिखेरे हैं। प्रमुख कृतियाँ ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, बाल कविता संकलन है, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र रेखाचित्र, यामा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपा शिखा, सप्तपर्णा, कविता संग्रह आदि। पाठ परिचय देखिए इस प्रकार है कि प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीप शिखा बताया। देखिए बच्चों, भारत ही नहीं पूरे विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है और सभी भाषाओं का अपना महत्व है। आज मनुष्य ने जो भी विकास, जो भी प्रगति की है, सब भाषा के कारण ही किए। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यावहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन पाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत सारी भाषा, प्रत्येक भाषा अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सिर्फ भारत की भारतीय भाषा, भारत में ही हम 22 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा भारत के विकास में तो अपना योगदान देते ही है, उसी प्रकार पूरे विश्व की में बोली जाने वाली हर भाषा अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है देती है। आगे देखिए पाठ परिचय, हम पाठ का वाचन इस प्रकार करेंगे। यहाँ पे भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानव जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ उपलब्धि मौलिक उपलब्धि है, यानी हमें प्राप्त है। संकुल अर्थात समूह। यहाँ पे देखिए इस परिच्छेद का भावार्थ या इस परिच्छेद से ये अर्थ निकलता है कि भाषा हम मनुष्य को जो सबसे आश्चर्यचकित और मौलिक चीज, मौलिक रूप में जो चीज़ प्राप्त हुई है वो भाषा ही है। वैसे तो आप देखते हैं कि हम सभी मनुष्य, मानव जगत अपने सुख दुख जो भी हमारे अंदर के भाव हैं उसे व्यक्त करने के लिए हम कंठ और स्वर के द्वारा, भाषा के द्वारा, कंठ और स्वर से भाषा का निर्माण होता है और भाषा द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और इसी भाषा के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह हमें कंठ और स्वर प्राप्त हैं, उसी तरह बाह्य जगत में भी बहुत सारी ध्वनियाँ, पत्तों के गिरने की आवाज़ें, पानी की बूंद, वर्षा, बिजली कड़कना इत्यादि की ध्वनियाँ, ध्वनियों का समूह है ये बाह्य जगत। आगे देखेंगे, चेतन ही नहीं जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। चेतन मतलब जिसमें हलचल है, वो नहीं बल्कि जो एक जगह स्थिर है वे भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक
यहाँ पे देखिए दो चित्रों द्वारा हम देख रहे हैं कि वज्र पात्र, बिजली कड़कना, इसकी भी एक अपनी ध्वनि होती है। फूल खिलने की भी अपनी एक ध्वनि होती है। ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह है, निदाग के हर हराते भवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधता में मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। बाह्य संकुल में हम अगर देखें तो जो भी कठिन कोमल आरोह अवरोह यानी जो ध्वनियां हैं, कुछ आरोह अवरोह कुछ उसके उतार चढ़ाव को आरोह अवरोह कहा गया है। निदाग के हर हराते भवंडर से लेकर, निदाग मतलब गर्मी, गर्मी में जो भवंडर आते हैं, भवंडर से लेकर वासंती, वसंत में खिलने वाले फूलों की भी प्रत्येक की अपनी विविधता में मूर्छना है और इन सब से हम क्या है परिचित है। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की सांख्यातिक गीतिमालाओं से भी हम परिचित हैं। जिस तरह भवंडर, भवंडर के हर हराते, भवंडर की जो ध्वनि है उसे हर हराते से हम संबोधित करते हैं। फूलों की, फूलों के खिलने से तो हम सभी परिचित हैं। इसी तरह बाह्य संकुल में पशु पक्षी के भी जो ध्वनियां हैं, सम विषम जो स्वर है, उनसे भी हम सब परिचित हैं। परंतु इन ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते। बाह्य जगत में जो भी ध्वनि संकुल है, ध्वनियों का समूह है, इन सबसे हम परिचित है। इसे हम ध्वनि तो कहते हैं बच्चों, पर इसे हम भाषा नहीं कहते, इसे हम भाषा की संज्ञा नहीं देते। क्यों नहीं देते, आगे देखते। क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके। देखिए पशु पक्षी की ध्वनियाँ, भवंडर की ध्वनियाँ, हर हराते खेतों की ध्वनियाँ, कड़कते बिजली की ध्वनियाँ, ये सब ध्वनियाँ हैं, पर इसे हम भाषा नहीं कहते क्योंकि इसमें वो अर्थ नहीं है जो हमारे हृदय और साथ ही साथ ही हमारे बुद्धि अर्थात मस्तिष्क को तृप्त शांत कर सके या बोध दे सके, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहते। अर्थात भाषा में दो चीज का होना महत्वपूर्ण है, एक तो अर्थवत्ता, भाषा में अर्थ होना चाहिए जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्त शांत कर सके और बोध दे सके। बोध देना अर्थात ज्ञान देना। यहाँ पे इस गयात्मक शब्दार्थ देखेंगे, गयात्मक अर्थात गतिशील, निदाग अर्थात गर्मी, भवंडर गर्मी में आते हैं इसलिए निदाग के हर हराते भवंडर यहाँ पर शब्द आया है। पुलक, पुलक अर्थात प्रसन्नता, वसंत में जब फूल खिलते हैं तो वसंत में पुलक प्रसन्नता छाई रहती है प्रकृति में। संघात, संघात मतलब प्रहार, संघर्ष, तृप्ति अर्थात संतोष, बोध अर्थात ज्ञान। आगे देखते हैं, मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवन अभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियां दाएं भाग से प्राप्त हुई थी, उन्हें उसके अपने सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवन अभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तन कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं अशरीर भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार और बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रहित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमय क्षमता पा सके। यहाँ पे देखिए पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं, परिवेश अर्थात वातावरण, मानव कंठ, जो हमें कंठ मिला है वो हमें परिवेश में मिलता है यानी हमारे आसपास या जहाँ पे हम रहते उस वातावरण से मनुष्य को कंठ और ध्वनि प्राप्त होती है।
और उन्हीं ध्वनियों के द्वारा हम अपने जीवन अभिव्यक्ति जीवन को व्यक्त करते हैं। दाएं भाग और ये जो ध्वनियाँ हमें मिली है, दाएं भाग का अर्थ है विरासत। विरासत मतलब पूर्वजों द्वारा एक से एक, एक के द्वारा एक में हस्तांतरित होती आई है। तो जो हमें कंठ और ध्वनियाँ मिलती है वो हमें विरासत के रूप में अपने वातावरण अपने परिवेश से मिलती है, और उसी ध्वनि के द्वारा हम अपनी सृजनात्मक यानी अपने में रचनात्मक कुछ नए रूपों को अपने में रचनात्मक परिवर्तन कर अपने को नए रूपों में अवतरित करते हैं, आरोपित करते हैं। इस धरती पर जब हम मनुष्य रूप लेते हैं, बचपन में हमें हमारे पास शब्द नहीं होते या हम बोल सकते भाषा नहीं होती, ध्वनियाँ होती है, पर धीरे धीरे हम जिस परिवेश में रहते हैं जिस वातावरण में रहते हैं उनकी भाषा उनकी ध्वनियों को स्वीकार करते हुए अपने में रचनात्मक परिवर्तन लाते हैं, और अपने में जो ध्वनियों का हम विकास करते हैं उसके द्वारा हम एक भाषा का सृजन करते हैं और अपने को प्रस्तुत करते हैं। विस्तृत अर्थात व्यापक जीवनी भक्ति यानी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, अशरीर अर्थात मूर्त। यहाँ पे देखिए रूपायित, रूपायित अर्थात रूप देना। यहाँ पे इस परिच्छेद में जो हमें अपने परिवेश से ध्वनियाँ मिलती है, कंठ मिलते हैं, उसे हम अपने में अपने को नए रूप में अवतरित करते हैं, और साथ ही साथ ध्वनि मात्र से सिर्फ किसी वस्तु को ही नहीं, जो कि अशरीर अमूर्त भाव और बोध होते हैं उनको भी हम रूप देते हैं उन ध्वनियों द्वारा। और उस वाणी के द्वारा, उस ध्वनि और कंठ के द्वारा जो वाणी हमारे कंठ से बाहर आती है वह हमारे रागात्मक संस्कार, हमारे संस्कार का परिचय देती है, हमारी बौद्धिक उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है। और इस प्रकार हम मनुष्य जो हम बचपन में ध्वनि कंठ के द्वारा वाणी और भाषा का निर्माण करते हैं, उस भाषा के द्वारा हम अपने को प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं, और उस भाषा के द्वारा ही हम प्रकृति के प्रत्येक क्षण क्षण में जो परिवर्तित रूप है, प्रकृति आप देखते हैं प्रकृति के एक प्रत्येक क्षण में कुछ नहीं तो कुछ परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तित रूप को हम अक्षर मतलब जो नष्ट ना हो उनको निरंतरता यानी उनको कुछ निरंतर बनाए रहने के क्रम में निरंतर बनाए रहने की क्षमता हमें प्राप्त होती है अपनी भाषा द्वारा। रागात्मक अर्थात प्रीति, बौद्धिक अर्थात बुद्धि संबंधी, संग्रहित अर्थात एकत्र, क्षमता मतलब सामर्थ्य, हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है। अक्षर का अर्थ यहाँ पे देखिए अपरिवर्तनशील या अनश्वर है, जो प्रकृति में अनश्वर है अपरिवर्तनशील है उसको हम रहस्यमयी उसको निरंतरता देने में हम सामर्थ्य पाते हैं वाणी के द्वारा, भाषा के द्वारा। मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर, देखिए अक्षर का अर्थ हमने पीछे की स्लाइड में देखा है, अक्षर अर्थात अनस्वर यानी जो नष्ट नहीं होती पर अपरिवर्तनशील, अक्षर भाषा ही होती है यानी हम में जो सृजनात्मक जो रचना हुई है और अभिव्यक्ति जब हम अपने को प्रस्तुत करते हैं, अपने को प्रस्तुत करने में सबसे ज़्यादा समर्थ और अक्षर अनस्वर क्या है, भाषा ही है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का एक ऐसा समन्वय रहता है
जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। शब्दार्थ देखेंगे, आंतरिक अर्थात भीतरी, मनुष्य के जो आंतरिक यानी हमारे अंतर में तथा बाह्य जीवन को परिष्कार, परिष्कार का अर्थ सुधारने का काम भाषा ही करती है। आगे देखिए, मनोराग मतलब मन के भाव, व्यशिष्ट मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब समूहगत। यहाँ पे देखिए, इस परिच्छेद के द्वारा महादेवी वर्मा जी हमें ये बताना चाहती है कि हम मनुष्य को अभिव्यक्त, अपने आप को अभिव्यक्त करने में सबसे सुंदर साधन है भाषा। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक तथा बाह्य जीवन में सुधार कर अपनी बौद्धिक यानी मानस बौद्धिक अर्थात बुद्धि से संबंधित तथा मनोराग अर्थात मन के भाव, बुद्धि तथा मन दोनों भाव की अभिव्यक्ति को एकत्र कर सूत्र में बांध कर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का काम भाषा ही करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप तथा भाव, ये चारों चीज़ों का ऐसा समन्वय रहता है कि हम अगर भाषा में देखें किन किन चीज़ों का समन्वय होता है, स्वर, अर्थ, रूप तथा भाव, और ये चारों के समन्वय से, इन चारों के एकत्रीकरण से हम मनुष्य अभिव्यक्ति जो करते हैं, उस अभिव्यक्ति के द्वारा हम व्यशिष्टि से यानी व्यक्तिगत यानी अपने निजी, व्यक्तिगत मतलब अकेले से समिष्टि यानी समूह तक हम जाते हैं। अगर आपके पास भाषा है, आप उस भाषा के द्वारा अपने आंतरिक और बाह्य मनोरोगों को और अपने बुद्धि के विचारों को अच्छे से प्रस्तुत करने में समर्थ है, तो आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आप व्यक्तिगत से समूह में आने में आपको देर नहीं लगेगी। भाषा हमें व्यक्तिगत से समूहगत लाने का कार्य करती है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर्बाह्य प्रभावों में गल ढल कर परिणति पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रहित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। इस परिच्छेद के द्वारा इस परिच्छेद में बहुत सारी विलोम शब्दों की जोड़ियां हैं। यहाँ पर उन विलोम शब्दों की जोड़ियों को पहले हम देखते हैं। घात प्रतिघात, अंतर बाह्य, अनुकूलता प्रतिकूलता, जटिल सरल। यहाँ पे देखिए, इस परिच्छेद के द्वारा महादेवी वर्मा जी बताना चाहती है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व जिस प्रकार हमारा दोहरा होता है, हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, उसी प्रकार वाणी, जो हमारी वाणी हो निकलती है कंठ से, उस वाणी का निर्माण भी दोहरा होता है। जिस तरह मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ साथ अंतर जगत के, हम जिस वातावरण में रहते हैं उससे तो प्रभावित होते हैं, पर कुछ कुछ हमारे मन के भाव भी हमें प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार भाषा भी अनेक विलोम विपरीत परिस्थितियों से ढल कर घात प्रतिघात, अंतर्बाह्य, अनुकूल तथा प्रतिकूल, ऐसे अनेक विपरीत परिस्थितियों से होती हुई अपनी
चरम सीमा तक पहुंचती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से संग्रहित हो जाती है और हमारी जो वाणी है, जो हमारी भाषा है, वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से ढल ढल कर अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है और एक जगह जाकर वो हमारे सभी बौद्धिक तथा मन के रागात्मक विचारों को, भावों को संग्रहित कर प्रस्तुत करती है। यहाँ पर अंत में देखिए कवि लेखिका ने बताया है, एक शब्द संकेत यानी एक शब्द अगर एक शब्द के इशारा हम समझ जाए, अगर हमारे पास भाषा है और उस भाषा को समझने का सामर्थ्य है, तो एक शब्द संकेत अनेक यानी बहुत सारे अप्रस्तुत यानी जो प्रस्तुत नहीं है सामने, उन भावों को भी, उन मन के भावों को भी जगा देने की शक्ति पा जाता है। भाषा में इतनी ताकत है कि वह अनेक अप्रस्तुत भाव को जगाने की शक्ति पाता है। आगे देखिए, भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है, अलग है तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव अर्थात बचपन में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावे तो हम संभवतः बोलना ना सीख सके। यहाँ पे दूसरा परिच्छेद भी दिया है, ठीक है। पहले परिच्छेद का पहले हम भावार्थ देखते हैं। देखिए, पहले परिच्छेद के द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा जी यह हमें बताना चाहती है कि भाषा सीखना और भाषा जीना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो भाषा हम ग्रहण करते हैं, हर भाषा अपने ज्ञान और भाव, यानी देखिए पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, पर हर भाषा कुछ अधिक प्रसिद्ध है, अधिक ग्रहण करने लोगे, लोग उसे ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि हर भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि मतलब वो कितनी विशाल है, उसके कारण ग्रहण करने योग्य बनती है। परंतु बौद्धिक और रागात्मक अपनी बुद्धि और अपने मन के भाव के साथ जो भाषा हम जीना चाहते हैं, देखिए जीना और सीखना अलग अलग है ना, तो हम जो सीखते हैं वो सीखते क्यों है, क्योंकि उसके ग्रहण करने, उसके भाव, उसके उस भाषा में ज्ञान बहुत मिल रहा है, इसलिए हम उसे सीखते हैं। पर हम जीते कौन सी भाषा को है, जीते हम उस भाषा को है जिसमें हमारी बौद्धिक क्रिया और हमारे मन के भाव को रूप देना संभव है। और ये कौन सी भाषा में संभव है, हमारी मातृभाषा में, क्योंकि मातृभाषा में जो हम बचपन से भाषा सीखते आए हैं उसे हम सीख जानबूझ के उसके ज्ञान के कारण या वो कितनी विशाल भाषा है इस कारण नहीं सीखे हैं, वो हम अपने परिवेश में धीरे धीरे स्वयं सीख चुके हैं, वो उस भाषा को हम जीते हैं, सीखते नहीं, उस भाषा में हम जी रहे हैं। और उस भाषा में जीने के कारण हम अपने बौद्धिक और मनो रोगों को बहुत अच्छे से रूप देने में समर्थ हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो ध्वनि हम सीखते हैं उसका संबंध आत्मानुभव से, और जो भाषा का हम
अर्थ लगा के सीखते हैं, जो भध्वनि को हम जीते हैं उसका संबंध आत्मा से है, और जो भाषा या जो ध्वनि का हम अर्थ लगाते हैं उसे सीखते हैं उसका संबंध बुद्धि से होता है। इसलिए तो यहाँ पर कहा है कि बचपन में हमारे लिए ध्वनि एक संकेत मात्र होते हैं, यानी चिन्ह होते हैं। अगर हम उस ध्वनि को पहचानने से पहले उसका अर्थ लगा लिया, यानी बुद्धि से संबंध है, अगर हम उसका अर्थ लगा लेंगे तो हम उस भाषा को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे, अतः यह कहना सत्य है। दूसरा परिच्छेद देखिए, अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मबुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवच्छया। यहाँ पे कवि महादेवी वर्मा, जो कि कवित्री भी रह चुकी, कवित्री भी है, उन्होंने गद्य पद्य दोनों में अपने लेखन का परिचय दिया है। तो महादेवी वर्मा ने यहाँ पे कवित्री के रूप में भी अपनी अभिव्यक्ति की है कि वाणी जो है वह हमारी मौलिक अभिव्यक्ति है, और यह हमें क्या करती है, समिष्टि समूह में, वैशिष्टि से समिष्टि, व्यक्तिगत से समूह में विस्तार देने का कार्य करती है। और इसीलिए पाणिनि, यानी जो कि हिंदी के व्याकरण के बहुत ही बड़े व्याकरण करता है, उन्होंने कहा है आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया। इसका अर्थ है बुद्धि के कारण सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। यानी जो भी हम बोलना चाहते हैं अपनी भाषा के द्वारा, वो सब बुद्धि के द्वारा हम उन चीज़ों का पहले अर्थ ग्रहण करते हैं, उनका आकलन उसे समझते हैं, और फिर उसे बोलने की इच्छा प्रकट करते हैं। देखिए, अगर हमारी बुद्धि में हमने उसका अर्थ ग्रहण किया और वो उसके अर्थ अनुचित थे, तो हम उसे अपनी भाषा के द्वारा प्रकट करने की इच्छा व्यक्त करेंगे क्या? नहीं। तो जो भी हम बोलते हैं उसका अर्थ बुद्धि से होता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा उन शब्दों का अर्थ समझते हैं, उन अर्थों का आकलन करते हैं, और फिर हम उसे मन से बोलने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, मानव व्यक्तित्व वह जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है, और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। भाषा संबंधित बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमेल श्रेणियां ना होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती है। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। यहाँ पे देखिए, शब्दार्थ निरंतरता मतलब अखंडता, एक सूत्र में बांधने का, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, विवर्तना अर्थात घूमना। आगे देखेंगे, एक मिनट देखिए, इस परिच्छेद में कवि महादेवी वर्मा जी बताना चाहती है कि इन दो चित्रों के द्वारा यहाँ पे हम अगर समझे तो ये आसानी होगा कि एक चित्र में हमें पर्वत की अनमेल श्रेणियाँ दिख रही है, और दूसरे चित्र में हमें सागर, एक ही सागर पर एक समान बन लहरें आ रही है और एक दूसरे में मिल जा रही है। तो भाषा भी लहरों के समान है, समुद्र में बनने वाली लहरों के समान है। पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, पर वे भाषाएं पर्वत की ऊंची नीची श्रेणियों की समान ना होकर सागर में बनने वाली लहरों के समान है। अर्थात प्रत्येक भाषा अपना वही महत्व रखती है,
और प्रत्येक भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। पर्वत की श्रेणियाँ कुछ छोटी है, कुछ ऊंची है, कुछ मोटी है, कुछ पतली है, कुछ बहुत ऊंचाई तक है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, उनमें विविधता, उनमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो भाषा भी प्रकृति के समान, प्रकृति से ही हमें मिली है, पर भाषा पर्वत श्रेणियों के समान ना होकर सागर तट पर बनने वाली लहरों के समान है। हर भाषा अपना महत्व रखती है और हर भाषा अंत में एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। और भाषा एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का नहीं। भादे की लहरें जो पीछे से लहरें आ रही हैं, वो जब पीछे जाती है तो फिर दूसरे में जुड़ जाती है और फिर आगे आती है। तो भाषा भी इसी प्रकार है, हर भाषा पूरे विश्व में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा अपने में महत्व रखती है और हर भाषा जोड़ने का कार्य करती है, ना कि तोड़ने का। आगे देखिए, प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है, त्रिवेणी अर्थात तीन वेणी का संगम, जिसकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानव की बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है, और तीसरी अंत सलीला के समान किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका है। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन धर्मा विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है। शब्दार्थ देखेंगे, संश्लिष्ट अर्थात जोड़ना, विघटन धर्मा अर्थात तोड़ने वाले, संलग्न अर्थात लगी हुई। यहाँ पे देखिए, पहले परिच्छेद में जिस तरह लेखिका बताती है कि भाषा तीन वेणी, जिस तरह तीन नदियों की धारा एक जगह मिलती है तो उसे त्रिवेणी कहते हैं, उसी प्रकार भाषा भी तीन चीज़ों के संगम का कार्य करती है। एक में वो हमारे जीवन, व्यावहारिक जीवन, रोज के जीवन में आदान प्रदान, जो हमारे जीवन में रोज के आदान प्रदान है उसे सहज आसान करती है, आसान बनाती है। दूसरी जो है वह हमारी बुद्धि और हृदय को विशाल, समृद्ध, विशाल बनाकर दूसरे मनुष्य की बुद्धि और हृदय के लिए संप्रेषण, यानी दूसरे मनुष्य को ग्रहण करने योग्य हो, उस प्रकार का कार्य करती है। और तीसरी, किसी भी भेदाधीत स्थिति में संयोजिका, संयोजिका मतलब जोड़ने का कार्य करती है। और हमारे भारत की तो खासियत ही है कि हमारे भारत में विविधता में एकता, हमारे भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, उन विविधता, वो सभी विविधताएं हमारे देश में, देश की एकता को पूर्ण करने का कार्य करती है। और ये विविधता हमारे देश के विकास में विरोधनी नहीं है, बल्कि हमारे देश की प्रत्येक जो विविधताएं हैं वह हमारे देश की चिंतन, रागात्मक दृष्टि और हमारे देश की सौंदर्य को बढ़ाने का ही कार्य करती है। और ये जो सभी हमारे देश की विघटन विविधताएं हैं, ये हमारे देश को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का कार्य करती है। आगे देखेंगे, धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। धरती के एक खंड को हम नदी कहते हैं, दूसरे खंड को हम पर्वत, दूसरे किसी खंड को यानी जगह को हम समतल, हम किसी न किसी खंड को किसी न किसी नाम से संबोधित करते हैं। मनुष्यों की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संख्या पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमि खंड विशेष की ही नहीं,
एक सांस्कृतिक दाय भाग के अधिकारी और प्रभुत्व मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमिखंड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। शब्दार्थ एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए इस परिच्छेद के द्वारा कवि कहती है, यानी महादेवी वर्मा जी जो कि एक लेखिका भी है, वो कहती है कि मनुष्य की भीड़ को हम मनुष्य, जहाँ पे मनुष्य एकत्र रूप से जमा हुए हैं उसे हम भीड़ कह सकते हैं, पर राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए, जो राष्ट्र को गरिमा प्रदान करे, उसके लिए सिर्फ जमीन के टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उस जमीन पे जो लोग रह रहे उनके सांस्कृतिक दाय भाग, यानी उनकी सांस्कृतिक विरासत के उनके अधिकारी और वहाँ पे रह रहे मनुष्य समाज की भी आवश्यकता होती है। और हर मनुष्य हर भूमि के हर कोने में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भोली भाषा के लोग रह रहे हैं, और उनकी भाषा के कारण ही, उनके सांस्कृतिक दाय भाग के कारण ही यह जो विश्व हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का हर एक कण क्या हुआ है, नए सौंदर्य से परिभाषित हुआ है। आगे देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिम किरीटनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश ने अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है। यहाँ पे देखिए भारत भाषा का, भारत की विशेषताओं को बताते हुए महादेवी वर्मा जी कहती है कि हिम किरीटनी यानी हिम की हिमालय, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत भूमि ऐसी भूमि है, यहाँ पर अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है, यहाँ पे इसकी सांस्कृतिक विरासत, इसकी संस्कृति इतनी प्राचीन और महान रही है, तो यहाँ पर अनेक भाषाओं का होना तो स्वाभाविक ही है, किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है, जो रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। भारत में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा वीणा के एक तार के समान है। जिस प्रकार वीणा के एक एक तार की अपने अलग सुर होते हैं, उसी प्रकार भारत में बोले जाने वाली प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग सुर, लय, आरोह, अवरोह तथा महत्व है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावनाओं की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है, और प्रत्येक भारतीय भाषा अपनी चिंतन और भावनाओं के कारण ही तो हमारे देश को एक विशाल महत्व प्रदान करती है, और हमारे देश को एक दूसरे देशों से एक अलग पहचान बनाने का रूप देती है। और ये जो तत्वगत हमारे देश की जो अलग अलग भाषाएं हैं, यही तो हमारे देश की एकता में प्राण डालने का महान कार्य करती है। आगे देखिए, ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है, और सीप जल की अतल घनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। ना हीरक अर्थात धरती, ना हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, ना मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। हम जिस संक्रांति की युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य ना होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक प्रतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है, जिसे ना हम खोल पाते हैं ना काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है।
यहाँ पे देखिए दो चित्रों में एक जगह हीरा है तो एक जगह मोती। हीरा कोयले की खान यानी अग्नि में पनपता है, जन्म लेता है, और मोती समुद्र की गहराई में। पर ना हीरा अपने साथ गर्माहट लाता है, ना मोती अपने साथ शीतलता, बूंद की शीतलता नहीं लाती, पर फिर भी दोनों मूल्यवान है। उसी प्रकार भाषा भी है। कौन से देश के किसी भी खंड में कौन सी भी भाषा जो बोली जा रही है, जो भी भाषा बोली जा रही है, वो हीरे और मोती के समान मूल्यवान है। और यहाँ पे कवित्री लेखिका ये भी बताती है कि आज हम जिस संक्रांति, देखिए शब्दार्थ देखिए, गहनता अर्थात गहलाई, संक्रांति अर्थात बदलाव, आज हम जिस बदलाव के वातावरण में वातावरण के युग में रह रहे हैं, इस वातावरण में सबसे ज़्यादा तकलीफ त्रासदी अवरुद्ध अर्थात रुकी हुई आया मतलब विस्तार, इस युग में सबसे ज़्यादा मनुष्य को जो तकलीफ या परेशानी का कारण जो बना हुआ है वो है संवेदनशीलता का अभाव। एक समय था जब हमारे पास संवेदनशीलता का अधिक था, यानी बहुत अधिक हमारे में संवेदनशीलता थी, पर इस बदलते परिवेश में हमारे पास संवेदनशीलता का अभाव हो रहा है, कमी हो रही है, और उसके कारण हम मनुष्य क्या हो रहे हैं, बहुत ही त्रासदी के युग में रह रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, पर मानसिक रूप से हम अभी भी परतंत्र यानी गुलाम हैं, जिसे ना हम खोल पाते हैं ना काट पाते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे विकास के मार्ग को हमारी ही छाया अवरुद्ध कर रही है, यानी हमारी छाया ही हमारे विकास के मार्गों को अवरुद्ध कर रही है, क्योंकि हम परतंत्र स्वतंत्र है, अपने को स्वतंत्र समझते हैं, पर मानसिक रूप से अपने को अभी भी परतंत्र ही पाते हैं। आगे देखते हैं, अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इनके चिंतकों साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीप सिखा रही है। यहाँ पे देखिए आलोक आयाम, यहाँ पे ना लेखिका अंत में सिर्फ यही कहना चाहती है कि अतीत भूतकाल में भी हमारे देश में बहुत सारे अंधकार छाए थे, और उन अंधकार से बाहर निकालने का कार्य हमारे चिंतकों साधकों और साहित्य सृष्टाओं यानी साहित्य रचनाकारों ने ही किया है, और हमारे सामने हमारे पथक को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का काम किया है। और यह काम कौन करती है, भाषा करती है। जो हमारे साधक चिंतक और साहित्य सृष्टिकार है, इन्होंने भाषा के माध्यम से ही हमारे राह में जो अंधकार था उस अंधकार को दूर करने का काम किया है। और भाषा ही है जो आलोक के लिए संचारिणी दीप शिखा, यानी पूरे आलोक में पूरे विश्व में एक दीपशिका, पूरे अंधकार में पूरे विश्व में लोगों को एकत्र करने का कार्य कौन कर सकती है, भाषा ही कर सकती है। पावका ना सरस्वती, आयाम, आयाम का अर्थ है विस्तार, सृष्टा अर्थात रचनाकारो, संचारिणी अर्थात चलने फिरने वाले। ठीक है, यहाँ पे इस पाठ का समापन होता है। कुछ देखिए प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। स्वभाषा हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी हमारी मातृभाषा ही हमारे प्रगति के लिए उपयुक्त है, इस पर अपने विचार लिखना है। मुझे प्यारी मेरी मातृभाषा, इस पर भी अभिव्यक्ति स्वमत अपने विचार लिखिए, तथा जोड़ियां मिलाइए, विविधतामयी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए जोड़ियां मिला, आकलन कृति मैंने कुछ दी है, विविधतामयी, हरहराते, सांख्यातिक, मौलिक
आप इस पाठ का वाचन करेंगे तो आपको सही जोड़ी मिल जाएगी। ये कुछ स्वाध्याय हैं, इसे आप हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये घटक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर इसे पुनः देख सकते हैं। साथ ही याद रखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।